हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन की बात कर ली। आज हम इसका 16 क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। पहले तो एक मीनार है, अब उसके आगे इसमें बोला है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब हमें नहीं पता किस स्थिति में, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। जबकि सूर्य का उल्टास कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। पहले मान लेते हैं यहां तक इस सूर्य का उदय कोण 60 डिग्री था, अब वो कहता है 40 मीटर और अधिक बढ़ गई छाया की लंबाई। ये कितनी और अधिक बढ़ जाती है? 40 मीटर। तो यहां पर सूर्य का उल्टास कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। क्या बोला है? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टास कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? तो इस मीनार की ऊंचाई क्या करनी है? इसको मान लेते हैं हम स्मॉल एच में, इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर। इसके आधार से, इसको मान लेते हैं स्मॉल एक्स मीटर। इसके आधार से स्मॉल एक्स, इसके आधार ए से, ऐसे लिखोगे इसके आधार ए से स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित बिंदु सी से सूर्य का उल्टास कोण 60 डिग्री है। जब छाया की लंबाई सी से डी तक 40 मीटर और बढ़ जाती है तो सूर्य का उल्टास कोण 30 डिग्री हो जाता है। कोण लिख दोगे इसमें, कोण बी सी इक्वल 60 डिग्री, कोण बी डी इक्वल 30 डिग्री। ये कोण लिख दोगे इसमें, ये लिखा हुआ होगा माना ए सी इक्वल एक्स मीटर और ए डी इक्वल एच मीटर। ये तो हमने पहले मान लिया, इसको लिख लो माना ए सी इक्वल एक्स मीटर। माना ए सी इक्वल एक्स मीटर है तो यहां से ये पूरा ए डी इक्वल क्या आएगा हमारे पास? ए सी प्लस सी डी। ए सी यानी एक्स प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है? 40। तो पूरा ये कितना आएगा? एक्स प्लस 40। अब देखो आपको एक चीज बताई थी इसमें, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसको बाद में निकालूंगा। जैसे हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको बाद में निकालोगे, पहले जो ये माना है x छाया निकालोगे ये कितनी है लंबाई। तो कौन सा त्रिभुज लेके चलोगे? समकोण त्रिभुज सी ए बी। कौन सा संबंध लगाओगे? लंब और आधार का। लंब और आधार किसमें आते हैं? टैन में। तो समकोण त्रिभुज सी ए बी में टैन थीटा इक्वल लंब, लंब इसके लिए कितना है? ए बी अपॉन में आधार इसके लिए कितना है? सी ए। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री इक्वल में स्मॉल एक्स अपॉन में सी ए, क्या माना है? स्मॉल एक्स। टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 इक्वल में स्मॉल एक्स अपॉन में एक्स। तो एक्स रूट 3 इक्वल में क्या आ गया? स्मॉल एक्स। एक्स इक्वल यहां से क्या आ गया? एच अपॉन में रूट थ्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी दूरी अभी हमारे पास कितनी है? एच अपॉन में रूट थ्री। अब पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, इसके लिए लंब क्या हो गया? एडी अपॉन में, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? एडी, एबी अपॉन में एडी। इसको समीकरण दो देखते हैं, इसको समीकरण एक। समीकरण एक से एडी का मान रखने पर, समीकरण एक से एडी का मान रखने पर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू इसके
30 डिग्री इक्वल में ए बी, ए बी की वैल्यू स्मॉल एक्स अपॉन में ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40। समीकरण दो से एक्स का मान रखने, समीकरण दो से एक्स का मान रखने, 33 की वैल्यू 1/√3 इक्वल में एच अपॉन, एच अपॉन में रूट तीन एक्स की वैल्यू प्लस में 40, 1/√3 इक्वल में एच अपॉन, यहां से एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम क्या आएगा रूट तीन, ऊपर क्या आएगा एच प्लस 40 रूट तीन। अब ये रूट तीन कहां लाएगा ऊपर, तो रूट तीन को ऊपर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा यहां से 1/√3 इक्वल में एच रूट तीन अपॉन में एच प्लस 40 रूट तीन, तिरछा गुणा करेंगे तो एच रूट तीन इंटू रूट तीन इक्वल में एच प्लस 40 रूट तीन, रूट तीन इंटू रूट तीन तीन एच इक्वल में एच प्लस 40 रूट तीन, प्लस के एच है इस साइड आके माइनस के एच, तो तीन एच माइनस एच इक्वल में 40 रूट तीन, तो दो एच इक्वल क्या आ गए यहां से 40 रूट तीन, तो एच इक्वल 40 रूट तीन, दो यहां पर गुणा में थे किसमें चलेंगे भाग में, तो दो इंटू दो चार, तो एच इक्वल कितना आ गया 20 रूट तीन। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 रूट तीन मीटर, यहां इसमें रूट तीन की वैल्यू रख दो 20 इंटू 1.73, तो 20 दूने 40 क्या अंशी, 20 दिए 60 और 4 64 6 अंशी, 20 अपे 140 और 6 146 14 अंशी, 20 और 14 कितने हो गए 34, तो कितनी आ गई 34.64 मीटर। तो अतः इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 34.64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा दिया है 60 मीटर ऊंचा, लाइट हाउस दिया है, देखो इसमें समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, तो यहां पर ये एक लाइट हाउस मान लेते हैं और ये तल मान लेते हैं समुद्र का, इससे 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है ये यहां पर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब देखो ये इसका शिखर है, इससे देखने पर इससे देख रहे दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, दो समुद्री जहाजों के यानी समुद्र में यहां पर ये दो जहाज हैं, यहां शिखर से देख रहे हैं उनके अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री, ये इसके लिए क्षैतिज तल हो गए, यहां से देखते हैं मान लो एक जहाज ये यहां पर ठीक है इस समुद्र में, तो ये कितने डिग्री पर देखता है 30 डिग्री अवनमन कोण है, फिर दूसरे को देखता है 45 डिग्री पर, ये कितने डिग्री है 45। आगे क्या बोला इसमें, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से दोनों जहाज, ये दोनों जहाज क्या है एक ही ओर है और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, जैसे ये जहाज है एक ही है ठीक पीछे, तो दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करें, ये दूरी ज्ञात करनी है कितनी होनी, इन दोनों जहाजों के मध्य में दूरी कितनी, देखो सिंपल सी चीज, पहले तो ये जेड की आकृति बन गई, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये भी जेड की आकृति, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45। अब हमें इतनी वैल्यू चाहिए, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, इसको क्या मान लिया हमने एक्स मीटर, इनको नाम दे देते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे, माना ए से 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, माना एक लाइट हाउस 60 मीटर ऊंचा है ए बी है, लाइट हाउस के शिखर बी से देखने पर दो समुद्री जहाज ई व डी हैं,
दो समुद्री जहाज क्या है? ई व डी। यहां से देखो माना ए डी एक लाइट हाउस है तथा बिंदु ई तथा डी दो जहाजों की स्थितियां है। ई और डी क्या है? दो जहाजों की स्थितियां। ये दो जहाजों की स्थितियां पति एक जहाज की है और दूसरा ये। उसके बाद क्या लिखोगे? लाइट हाउस के, लाइट हाउस के एक ई और दो जहाज है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे। माना शिखर बी से जहाज ई का अवनमन कोण 30 डिग्री है तथा जहाज डी का अवनमन कोण 45 डिग्री, तथा जहाज डी का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो लिखोगे क्योंकि कोण सी बी की इक्वल है कोण बी ई ए, इक्वल में 30 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एकांतर। कौन से कोण बन गए? एकांतर। दूसरा कोण सी बी डी इक्वल में बी डी ए, इक्वल में 45 डिग्री, तो ये भी यहां पर क्या होंगे? एकांतर। माना जहाज ई व डी के मध्य दूरी स्मॉल एक्स मीटर, माना जहाज ई व डी के मध्य दूरी स्मॉल एक्स मीटर है, अर्थात ई डी इक्वल क्या मान ली हमने? स्मॉल एक्स मीटर, ये मान ली। और एक्स की वैल्यू हमें बतानी है जहाज ये कितनी दूरी पर है दोनों, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बी ए इसकी वैल्यू आ गई तो पूरा त्रिभुज लेके चलें। क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में कौन सा संबंध लगा देते हैं? लंब और आधार टेन का संबंध, तो टेन थीटा इक्वल लंब की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन में आधार डी ए बी के लिए क्या हो जाएगा? डी ए। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 45, तो टेन 45 डिग्री इक्वल में AB की वैल्यू 60 बटे डी, टेन 45 की वैल्यू है इक्वल में 60 बटे डी। तो यहां से डी इक्वल क्या आ गया आपके पास? 60 में। समीकरण नंबर ए, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास ये दूरी कितनी है? 60 में। पूरा त्रिभुज लेके चलो, त्रिभुज ई ए बी में, समकोण त्रिभुज ई ए बी में आप कौन सा संबंध लगाएंगे? टेन का ही, तो टेन थीटा इक्वल लंब इसके लिए ए बी अपॉन में बेस इसके लिए क्या लिया? ई ए। अब आओ थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है इसके लिए? 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल में ए बी की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन में ई ए, ई ए को क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी ए, ई डी प्लस डी ए। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक से डी ए का मान रखने, समीकरण एक से डी ए का मान रखने, तो समीकरण एक से डी ए का मान रखते हैं यहां पर। यहां क्या कर रहा है इसके आगे? टेन तीस, तो टेन तीस की वैल्यू एक बटे रूट तीन इक्वल में 60 बटे ई डी की वैल्यू हमने क्या मानी है? स्मॉल एक्स प्लस में डी ए की वैल्यू कितनी है? 60। तिरछा गुणा कर लेते हैं, एक्स प्लस 60 इक्वल में 60 रूट तीन। अब ये प्लस के साथ आंसर या किसके लिए? माइनस के, तो एक्स इक्वल 60 रूट तीन माइनस के 60, तो एक्स इक्वल इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? 60, ब्रैकेट में क्या रहेगा? रूट तीन माइनस ए, रूट तीन का मान रख देते हैं, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रूट तीन का मान रखने का, रूट तीन की वैल्यू 1.732 माइनस ए, तो एक्स इक्वल 60 इंटू 0.732 बटा में यहां पर इसके कितना लगाते हैं? 1000, तो ये पॉइंट कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो एक्स इक्वल 6 + 12, 6 + 18 और 1 = 19,
फिर 6 7 41 43 4392 बटे 100 बटा में 100 है तो दो संख्या जोड़ के पॉइंट लगा दो तो x इक्वल 43.92 मिले। तो x इक्वल कितना आ गया 43.92 मिले। अतः दोनों जहाजों E और D के मध्य दूरी 43.92 मिले। देखो सबसे पहले एक लाइट है उसका ED, ठीक है, दो जहाजों की स्थितियां E और D। अब लाइट है उसके शिखर B से जहाज E का मान 29 और D का कितना 45। अब उसके बाद हमने देख लिया ये काउंटर कौन है, ये 30 था तो ये भी कितना हो गया 30, ये 45 था पूरा तो ये भी कितना हो गया 45। अब हमें इतनी वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू कब आएगी हमारे पास, जब इसकी वैल्यू होगी पहले, क्योंकि पूरे त्रिभुज में तो संबंध लाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि यहां तक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, पहले इसमें संबंध लगा के AD की वैल्यू ज्ञात कर लो, फिर पूरे त्रिभुज में संबंध लगा के इसकी वैल्यू ज्ञात करो, तो दोनों जहाजों के मध्य दूरी आ जाएगी। बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे 19वां क्वेश्चन खुद कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसमें 24वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और 24 ट्राई करोगे या नहीं, ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर आपको करवा दिए जाएंगे, इनको कोशिश करोगे करने की, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे उसका पहले क्या करोगे डायग्राम, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।